में और मोहम्मदी के नगर का नगर पालिका चुनाव चल रहा है। आइए जानते हैं यहाँ जनता के क्या यहाँ के जो चेयरमैन थे वो अपेक्षाओं पर खड़े उतरे या फिर नहीं उतरे। अम्बरीश कुमार शुक्ला हमारा नाम है, मोहम्मदी नगर पालिका परिषद में रहते हैं और यहाँ का हाल बहुत बुरा है। ये 10 सालों से मोहम्मदी में कार्य नहीं हुआ है और जो पैसा ऊपर से अखिलेश जी ने जो भेजा है उसका दुरुपयोग हुआ है। ये यहाँ पे ये चेयरमैन जो है प्रेजेंट टाइम पे इन्होंने भ्रष्टाचार कमीशन खोरी मतलब किसी तरीके का कोई व्यवस्था नहीं है। 3 लोग जो हैं इनके ठेकेदार हैं वही पैदा कर रहे हैं और जनता जो है बहुत परेशान है और ये मंदिर वगैरह में कोई व्यवस्था नहीं है। ट्रस्ट ही कराते हैं, यहाँ पीछे मंदिर के जो है तालाब है उसमें बहुत गंदगी रहती है, मच्छर रहते हैं। यहाँ के बाशिंदे जो हैं यहाँ के बहुत परेशान रहते हैं लेकिन यहाँ का चेयरमैन कुछ नहीं सुन रहा है। क्या नाम है चाचा आपका? रमेश चंद जी। आप इस बार मोहम्मदी के लिए अगर देखा जाए तो जो अभी 10 साल से बताया इन्होंने कि बहुत ही मोहम्मदी पीछे चला गया 10 सालों में, आपको क्या लगता है? जब से ये कन्हैया लाल चेयरमैन हुए हैं तब से इन्होंने पानी के निकास सभी बंद करवा दिए, जगह जगह जल भराव है, नए पुराने नाले बंद करवा कर नए नालियों का निर्माण करवा दिया जो अवैध है, जो अवैध है उसका निर्माण कराया गया, जो चीजें वैध थी उनको नहीं उनको उनको बंद करवा दिया गया, उनको बंद करवा दिया गया। तो कहने का मतलब इस बार जनता यहाँ क्या चाहती, आप क्या चाहते हैं? यहाँ पर जनता बदलाव चाहती है, बदलाव चाहती है। तो इस बार आपका चेयरमैन कौन होगा? कार्तिक तिवारी। कार्तिक तिवारी इस बार चेयरमैन कार्तिक तिवारी होंगे। चाचा आप किसे अपना सपोर्ट देना चाहते हैं? हम भैया खुले दिल से चाहते हैं कि जो विकास करे और विकास करने में सक्षम जो है वो कार्तिक तिवारी ही है, वरना ये तो लोग ये नया चेयरमैन कन्हैया जी लड्डू पेड़ा इसी में उलझा हुआ। तो यहाँ की जनता आपने देखा कि किस तरीके से कार्तिक तिवारी की तरफ लोग अग्रसित हैं और लोग चाहते हैं कि यहाँ बदलाव हो, यहाँ विकास की बयार आए और यहाँ का अगला चेयरमैन जो कार्तिक तिवारी जी होंगे जिनको लोग सपोर्ट कर रहे हैं वो सारी उम्मीदों पर खड़े उतरेंगे। धन्यवाद।